अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक 15 इंच का टीवी है। इसमें फॉल्ट यह है कि जब भी हम इसको पावर देते हैं तो ये वर्टिकल लाइन शो करा देता है। और अब मैं इसको पावर देता हूँ और आपको चेक करा देता हूँ कि इसको किस तरह की लाइन इसमें आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इस हमारे टीवी में क्या किस चीज़ का फॉल्ट है, क्या इसका कोई मैलर ख़राब हो गया या इसकी कोई योक वगैरह ख़राब हो गई है, या इसकी कोई जो जबकि योक वाली कोई तार काम नहीं कर रही जिसकी वजह से इसमें ये फॉल्ट आ गया है। अक्सर इसमें एच आउटपुट के जबकि पीएफ जो होते हैं वो भी ख़राब हो जाए तो उसमें भी ये मसला आ जाता है। पीएफ कैपेसिटर होते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद मुदसर अली खोखर और आप देख रहे हैं मी टी वी 9। जिन दोस्तों ने अभी तक मी टी वी 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। टीवी को मैंने ओपन कर दिया जी, और जब भी हमारे टीवी को फॉल्ट आते हैं तो वो मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ जिनकी वजह से इसमें अक्सर ये फॉल्ट आ जाता है। सबसे पहले तो इसमें एक ये मैलर होता है छोटा, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका काफ़ी जल भी चुका है। जब ये काम ना कर रहा हो, ये देख सकते हैं, जब ये काम ना कर रहा हो तो उस वक्त भी इसमें वर्टिकल जब के लाइन का मसला आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके ये पीएफ होते हैं कैपेसिटर, इन ये ख़राब हो जाए तो उस वक्त भी इसमें मसला आ जाता है। और उसके बाद इसमें ये कैपेसिटर जबकि मैलर होता है, ये काम ना करे तो उसमें भी मसला आ जाता है। और उसके बाद इसकी जबकि योक की ये वायरें होती हैं, एक ये वायर, एक ये और एक ये और एक ये, इनमें जबकि हमारे ये वाली रेड और जो कि ब्लू होती है, ये हमारी होती हैं वर्टिकल साइज ओपन करने के लिए, और दूसरी होती है हमारा आई साइज के लिए, ठीक है जी। तो अब हमने इसकी ये जबकि ब्लू और रेड को देखना है कि क्या ये हमारी सही जा रही है कि नहीं जा रही। तो आप देख सकते हैं ये इसकी जबकि ये वाली ब्लू तार काम नहीं कर रही, ठीक है जी, ये जल चुकी है। और ये हमारी यहाँ से उखड़ चुकी है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहे। तो अब हम इस वायर को लगाते हैं और इसको पावर देके चेक करेंगे क्या इसकी वायर का भी मसला है कि और भी इसकी कोई चीज़ ख़राब है, ठीक है जी। अगर हमारे ये वायर लगाते हैं ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर हम इस मैलर को तब्दील करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इसकी नाजुक हालत नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो अब मैं इसको लगा कर आपको दिखाता हूँ। ये इसका टांका मैंने लगा दिया जी, और अब मैं आपको इसकी स्क्रीन चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे टीवी का जो कि साइज है वो मुकम्मल ऑन हो गया है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।